दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम आपके लिए नवंबर के सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर का पार्ट टू लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने नवंबर के टॉप ट्रेंडिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपने नवंबर करंट अफेयर का पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट वन जरूर से जरूर देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज अच्छे से मिले। चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल। दोस्तों क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में किंग्स 11 पंजाब टीम की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारिया थाटिल ने। दोस्तों मारिया थाटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं। और दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। दोस्तों केरल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है और दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा चौधरी। दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा ने। दोस्तों गोवा राज्य सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और इसके वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, IPL 13वें में कौन से बल्लेबाज ने लगातार IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड वार्नर। दोस्तों डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है, तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकारागोवा। दोस्तों निकारागोवा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मानागोवा है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा है। दोस्तों हमारा नौवा क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर को। दोस्तों हमारा दसवां क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश के नौसेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास कराट बांग्लादेश 2020 से शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास कराट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है। दोस्तों अमेरिका को हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं
और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। दोस्तों राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं और ये टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, किसने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्काबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अमित पंघाल, संजीत और आशीष ने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्काबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर विभाग ने। दोस्तों आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के लिए कर संग्रह का कार्य करती है। दोस्तों आयकर विभाग का स्थापना 1860 में हुआ था और इसका मुख्य न्यायालय नई दिल्ली में है। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है, किसे सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश गोयनका। दोस्तों राकेश गोयनका को यह पुरस्कार मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम के तट पर। दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों ने भी भाग लिया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है, एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरप्रीत सिंह। दोस्तों हरप्रीत सिंह एलायंस एयर की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनी है। और दोस्तों एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया की कंपनी है और इसका स्थापना 21 जून 1996 को किया गया था और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को। दोस्तों 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और इसके गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के एम जोसफ हैं। दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम के। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल करेंट अफेयर और जीके के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम नवंबर करेंट अफेयर का पार्ट 3 जल्द से जल्द अपलोड करेंगे और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 जरूर से जरूर देखें।